ये तस्वीरें सहरसा के सदर अस्पताल की हैं। लहूलुहान पड़ा ये शख्स अपनी पत्नी की साजिश का शिकार है। दरअसल धनंजय अपने पिता का इलाज कराना चाहता था, जो नीतू को मंजूर नहीं था। फिर क्या था, तैस में आकर धनंजय की पत्नी नीतू ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने पति की मौत की साजिश रच डाली। क्या मामला है बताइए तो? ये अपने माँ पिताजी पर पैसा जो खर्च करते हैं वो उसको नागवार समझता है कि पैसा खर्च क्यों करते हैं घर पे माँ पिता पे, और यही वजह है लड़ाई का, जिसके कारण मेरी पत्नी और मेरा छोटा साला दोनों मिल करके वार किया और मैं गिर गया, बेहोश हो गया। बहुत देर के बाद होश आया, सब छोड़ के वो लोग चले गए। बाद में हम अपने फोन किए अपने भाई को, तब वो आए, फिर हमको हॉस्पिटल पहुँचाए। फिर आरोपी पत्नी नीतू के खिलाफ धनंजय ने सदर थाना में मुकदमा दर्ज करा दिया है। पिताजी का इलाज कराने के लिए अभी पिताजी भर्ती है डॉक्टर गणेश यादव के यहाँ, आँख का ऑपरेशन हो रहा है, उसी में इसका पैसा कुछ खर्च हुआ। वो पैसा का हिसाब लेने के लिए चाह रहा है कि पैसा उधर नहीं दे हमको दे। इसी मामला को लेके जब घर पर 8 बजे आया, जिसके साथ इसका पत्नी और इसका साला दोनों मिलकर बातचीत किया, काफ़ी गंभीर हालत में सरपट गया, बेहोश हो गया, वो दोनों वहां से भाग गए, कभी होश में आया। बता दें कि पत्नी नीतू पेशे से शिक्षिका और धनंजय डॉक्टर है। पत्नी की पैसे की लालसा के चलते हुए इस घटना ने सभी रिश्तों को तार तार कर दिया है। बहरहाल पुलिस फरार आरोपियों की जांच कर रही है। सहरसा से रंजीत सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।